रोग तेनू मैं दसा कुटिया तेनू मैं कुटा। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और तुम लोग देख सकते हो दुबई में आ गया हूँ मैं, ठीक है। साफ सुथरा माहौल है, मजाक कर रहा हूँ, दुबई नहीं है। एक तो पाकिस्तान में कोई भी साफ जगह मिलती है ना, ऐसा लगता है दुबई आ गए हैं। अच्छा, तो खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो, डक्की भाई व्लॉग गैंग कर लो ज्वाइन। एनक मुझे उतारनी पड़ गई क्योंकि एनक तुम लोग देख सकते हो भीग जाती है बारिश में यार। हम जैसे लोगों का जो है ना बारिश एंजॉय करना बड़ा मुश्किल है, ये समस्या है। खैर एनीवेज लाइक और सब्सक्राइब करके डक्की भाई व्लॉग गैंग को मारो ज्वाइन। ज्वाइन हो जाएगा तो फिर मुझे बताना नीचे कमेंट में कितने कितने लोगों ने जो है नया ज्वाइन किया है। और जितने लोग पहले से देखते आ रहे हैं मुझे बताओ कब से देखते आ रहे हो हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं, ठीक है। गाड़ियां शाड़ियां हमने लगाई हुई है, बाबे की ये खड़ी है, ठीक है, मेरी वो सामने खड़ी है। तुम लोगों को जैसे कि कल वाली वीडियो से पता है गाड़ी आ गई थी वापस। बहुत शुक्रिया यार। बस अच्छा बिल भी है यार, तुम लोग गाड़ी देख सकते हो, बड़ी कोई चिकनी कर दी इन्होंने होंडा टाउनशिप वालों ने। हमारी गाड़ी इज बैक। अभी जो है आधी रात हुई है, हमने कहा यार कोई शुगल प्लान करते हैं। अब शुगल हमारा अचानक से क्या प्लान हो गया जी, ये हम लोग जा रहे हैं जी हंजा। हम लोगों ने कहा ट्रिप मार लेते हैं, पहले हमने दुबई का मारा, फिर हमने तुर्की का मारा, तो अब हमने कहा पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं लोगों को। तो हम लोगों ने जो है ना ट्रिप मार लिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्लान कर लिया अभी, ठीक है, प्लान कर लिया ट्रिप। लेकिन टिकटें बुक करनी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जाएंगे जहाज पे। रोटी छोटी खा लेते हैं, डिनर मैंने भी नहीं किया, बाबू ने भी नहीं किया, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ पहले रोटी छोटी मार लेते हैं फिर ही देखते हैं क्या करना है। दूर से बुलाया तो कुछ तो खिलवाओ, कुछ खिलाते हैं आपको, क्या खाओगे? चलो भाई निकले। अच्छा तू अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, एक ही गाड़ी ना लेके चले, बाद में पकड़ लेंगे, फिर इधर आएंगे। चलो ठीक है, ओके। कुत्ते लगाएगा रेस, रेस लगाएगा कुत्ते। अबे तिमाड़ी मैं पार के रख दू ना, रेस आ जा, रेस लगा ऐसी की तैसी, चल। ओ भाई रेस रूस नहीं लगानी, फुदुओं का काम है रेस लगाना। आज हम लोगों को एक तो करना है ड्रैग रेस, तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि भाई ड्रैग रेस आएगी, फुदुओं का काम है रेस लगाना। तो यार खाने की चीजें तो बहुत हैं इधर, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। मेरा एक तो ना चीजें जल्दी बंद होना शुरू हो गई हैं यार, ये अंधेरा अंधेरा हो गया। पहले यहाँ पे दो दो बजे तक जो है ना बत्तियां चली रहती हैं, अब इन्होंने जो है ना जल्दी बंद करनी शुरू कर दी हैं। तो अभी यहाँ पे बस सिर्फ ये पहुंचे हैं, यहाँ पे सिर्फ बर्गर शर्गर यहाँ से मिल रहे हैं। अच्छा यही खा लेते हैं बर्गर। यार बैठने की जगह है यार, एक तो वो कर दो सुपर स्टार बर्गर 1200 वाला और एक क्रिस्पी कर्ल्स फ्राइज कर दो। अच्छा वीडियो बना रहे, थोड़ा कंगी शंगी कर ले यार, बस ये दो तीन बर्गर कर दो, साथ वो फ्राइज कर दो। नहीं हाँ बीफ नहीं खाते भाई, बीफ तो मम्मी डैडी केक यार, ये मलाई लोग बीफ ही खाने वाला होता है ना, बर्गर बना ही बीफ के लिए, चिकन तो वैसे बाद में है। तुम केक मलाई लोग हैं, यू करने वाले, बकरा जीबा हो रहा था, ये अंदर जाके कमरे में जाके छुप जाते हैं। बाकी में मैं छुप गया तो हम लोगों ने जो है ना तीनों ने अपने अपने डेबिट कार्ड निकाल लिए, ठीक है, एक इसका है, एक इसका है और एक मेरा है, ठीक है। यार आपको जिसमें से सबसे ज्यादा खुशबू आ रही है ना वो उठा लो, उठा लो, बल्कि एक सेकंड आंखें बंद करो। हाँ। अचानक आपने उंगली मारनी है, ठीक है, जो दिल करे, तीन कार्ड पहले महसूस करो। मेरा कार्ड पकड़ लिया है यार, आपने पहले कोई और कार्ड को हाथ लगाया था, फिर आपने मेरा महसूस करके उसको पकड़ लिया यार, आई मीन कार्ड। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यार अभी अंदर जो है ना सिटिंग नहीं थी, इसलिए हम लोग जो है ना बाहर बेंच मिले, हम लोग बैठ गए हैं, ठीक है। ओए ये जो कप है अपना, ये रिफिल है, मेरे ख्याल से ये कप रिफिल है। हमने एवी तीन तीन ले लिए, मैं तो कहता हूँ एक लेते, बारी बारी पी लेते, अगर रिफिल है एक बार मैं पी लेता, एक बार तू पी लेता, कर देते यार। पैसे बचाओ यार, तुम पाकिस्तान में रह के तुम्हें जुगाड़ नहीं आते यार। बासनो ये जो है ये रिफिल है, जितनी मर्जी बार पिए ना, जा बाबे मैं तो कहता हूँ पूरे खानदान के लिए पकड़ ला जा। A few moments later. यार हमारे पास लोडेड फ्राइज हैं, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो, बर्गर शर्गर मंगवा लिए हैं। बर्गर बर्गर बहुत बड़ा है यार, क्या मिला लो। आए 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 भाई, बाथरूम गया हूँ मैं 5 मिनट के लिए, भाई बाहर आए हो तो ये इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई हद ही नहीं। बहुत तेज बारिश हो रही है भाभी, क्या करें यार, चलते हैं घर, घर चलते हैं, लेकिन नहाते हैं, नहाते ओ यार वो, हाँ वैसे नहा भी सकते हैं इसी बहाने, घर जाके तो हमने नहाना नहीं, यहाँ पे ही नहा लेते हैं। कह रहे हैं चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर, ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, रुक जा यहीं से मैं गाड़ी खोल लेता हूँ। चलो यहीं से हमने गाड़ी खोल ली है यार, यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल है कसम से। बाबे यहाँ पे स्विमिंग पूल है पूरा पूरा भाई, वो देख हमारा बर्गर का डब्बा तैर रहा है, आराम से जा तो सकते हैं। कोई मेरे पास आइडिया है, तो पैर गीले नहीं होंगे।
पैर गीले नहीं होंगे। ये बंदा पागल है, ये पागल है। हाय हाय हाय, बारिश तुम लोग देखो, ओए ओए ओ बाबा फंस गया उधर ही, आए अभी गीला होगा। वैसे गिले हुई गए ना, आई ना नहीं। विजन बहुत ही खराब है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, नजर कुछ भी नहीं आ रहा। और हम लोग जो है ना बड़ी तेज ट्रैफिक वाली रोड पे हैं इस वक्त, बस किसी तरह घर पहुंच गए। बारिश का बड़ा लेवल है कसम से, एक जगह बारिश हो के सैलाब आया हुआ है और एक जगह एक कतरा भी नहीं गिरा। राजीव सिंह ने यार रोक, तेनू मैं दसा कुत्या, हमने जो है ना इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़नी है, हमने जाना है जी गिलगित 23 जुलाई की, देखते फ्लाइट मिलती है कि नहीं। नो मैचिंग आ रहा है, मेरे बिक गई है टिकटें, कल तो आ रही थी, कल आ रही ही टिकटें बिक गई है भाई 23 की। एक सेकंड रुक जा, 24 की चेक करें, 24 अबे बिक गई है हुई भाई। हम लोग कल देख रहे हैं 15,000 की टिकट आ रही और ये आज बिक गई है सारी। मैं कल कह रहा था कर लो, मानते ही नहीं हो। मैंने तुझे कहा था कर लो, तूने तो कहा था कि पैन ही नहीं है यार तू। ओए अपना स्कर्दू में भी है ना एयरपोर्ट, मुझे क्या पता। रुक जा एक सेकंड, वे बहुत महंगी आ रही है 23,000। ओए इतने का हमने आना जाना कर लेना है, 23,000 कुछ भी नहीं है यार बाबे। यार लोग बैठे सब्सक्राइब करके 20,000 हमारा वापस बनाएंगे, ऐसा ही है यार, तुम लोग सब्सक्राइब करके 23,000 हमारा वापस कर दोगे? नहीं, तेईस की बात कर रहे हो? 23 तारीख की बात कर रहा हूँ। जो सीट अवेलेबल है करीबी तरीन डेट वो कौन सी है यार बाबे? ना अब ना आवाज आई। अच्छा 25 पे अवेलेबल है। अच्छा यार कोई 23 पे वो कर नहीं सकते, कोई मतलब कोई 3 लोगों की गुंजाइश? बाय रोड जाना पड़ेगा, पेट्रोल गाड़ी कौन चलाएगा बता, और गाड़ी लेके कब की जानी है? देखो हाँ गाड़ी मेरी लेके जाएंगे। अच्छा और पेट्रोल तुम डलवाओगे? आधा आधा करेंगे पेट्रोल भाई। आधा क्यों? देखो पेट्रोल आधा आधा करेंगे ना। सुनो यार तू पेट्रोल में फटा डाल, तुझे पता है खुद अमेरिका तेरे डॉलर में तू कमा रहा है। मेरी शर्ट फंस गई। गाड़ी तेरी ठीक है, पेट्रोल आधा आधा डन हो गया। डन है? डन बस ठीक है। अच्छा वहाँ पे जो होटल वोटल होंगे, खाना वाना होगा, वो भी आधा आधा? आधा आधा ही करेंगे। आधा आधा करेंगे बस ठीक है। बाय रोड निकलो, अल्लाह का नाम लेके मिस करा, आ जा। तो यार हमारा प्लान ये बने, पहले हम लोगों ने फ्लाइट पे जाना था, जहाजों पे जाना था हमने, लेकिन अभी सीन ये है कि फ्लाइटें जो हैं मिस हो गई हैं, मिल नहीं रही। 23 की वैसे मिल रही ही, लेकिन अब मुश्किल ये है, बाय रोड हमें जाना पड़ रहा है। हंजा थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मजा आएगा। हाय तो यार दोस्त वगैरह चले गए हैं, फिलहाल हमारा प्लान ये है कि हम लोग जाने वाले हैं बाय रोड। टिकट ढूंढने की हमने बड़ी कोशिश की फ्लाइट की लेकिन नहीं मिली, और हमने जाना भी अभी कुछ घंटों के अंदर है, तो मैंने सोचा पैकिंग ही कर लेते हैं यार। भाई तुम लोग को याद होगा गुच्ची का बैग लेके आए थे हम लोग तुर्की से, पूरे 40,000 रुपए का पूछा मैंने कुछ। भाई मजाक कर रहा हूँ, 4,000 रुपए का लिया है, लेकिन लग बड़ा चमकसी रहा है यार, तुम लोग देख सकते हो प्रॉपर अमीरों वाला बैग लग रहा है। अच्छा यार हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न, तो हम लोग जो है ना एक हुडी पकड़ लेते हैं। ये जैकेट है मेरे पास कोई बड़ी चमकसी किस्म की, ये पकड़ लिया मैंने ब्राउन कलर की जैकेट। वैसे सही बताऊं एक ही बहुत है, एक से ही गुजारा कर लेंगे। शर्टे वटे पकड़ लेते हैं यहाँ से कोई अच्छी सी, शर्ट नंबर 1, शर्ट नंबर 2 और शर्ट नंबर 3, बस इतनी बहुत है, हमने कौन सा वैसे नहाना है वहाँ पे। तो पैकिंग हो गई है मेरी डन ठीक है, अब बस लैपटॉप वगैरह रखने वाला है और बाकी मोबाइल के चार्जर वगैरह रखने वाले हैं, कोई हेडफोन वगैरह रख लेंगे, थोड़ा एडिटिंग शेडिंग भी वहाँ पे व्लॉग श्लॉग आता रहेगा हुआ। तो अभी जो है ना मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, तुम लोग देख सकते हो बिस्तर पहले ही बिछा हुआ है, आराम कर लेते हैं क्योंकि बड़ी लंबी ड्राइव है, कम से कम कोई 27-28 घंटे तो है हमें गाड़ी के अंदर ही गुजारने पड़ेंगे, थोड़ी लंबी हो सकती है। यहाँ पे मुझे ब्लॉग को एंड करना पड़ा है, मुझे पता है पिछले 2 थोड़े छोटे आए हैं यार, भाई मजबूरी है ना, अब सुबह निकलना है, मैं आराम भी ना करूं, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कभी कभी छोटा कभी कभी लंबा, तुम लोग मैंने पहले भी बताया हुआ है, व्लॉग आते रहेंगे टेंशन ना लिया करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ठीक है, डक्की भाई व्लॉग गैंग को कर लो ज्वाइन, और मिलते हैं कल लोग का फिर।